अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ैज़ वसीम। आज की इस वीडियो में हम मैटलैब से रिलेटेड एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मैटलैब के अंदर कोई मैट्रिक्स क्रिएट करना है और उसके बाद आपने वहाँ पर से उस मैट्रिक्स के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि आपने एक मैट्रिक्स बनाया, अब उस मैट्रिक्स के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो आप मैटलैब के अंदर रहते हुए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, जब आपने मैट्रिक्स का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो लाजमी सी बात है कि पहले आपने कोई मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा अपने अपने मैटलैब सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए आप ये लाइन लिखेंगे, हमने लिखी है सी इज इक्वल्स टू 1 1 1 सेमीकॉलन 2 2 2 सेमीकॉलन 3 3 3 और ये सब हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिया है। ठीक है, जब आप ये लाइन टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इस टाइप का एक 3x3 का मैट्रिक्स आपके सामने बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इनमें मैक्सिमम वैल्यू मुझे नहीं पता चल रही कौन सी है फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मैटलैब से पूछूँ कि मुझे मेरे मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए आपने मैक्सिमम मैक्स का फंक्शन यूज़ करना होता है। मैक्स का फंक्शन यूज़ करने का सिंपल सा तरीका यह है कि आप टाइप करेंगे मैक्स राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे मैक्स ऑफ सी। सी क्यों लिखा है, क्योंकि हमने सी के नाम से मैट्रिक्स बनाया था। अगर आपने सी के नाम से नहीं बल्कि फॉर एग्जांपल अगर ए के नाम से आपने मैट्रिक्स बनाया होता तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं मैक्स इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैक्स ऑफ ए, तो आंसर आ जाता है आपके पास 3 3 मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे मैट्रिक्स में। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 होता, एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, अगर यहाँ पर हमने 4 दिया होता तो आउटपुट में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती 4 और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो आंसर आता वो आता 4। इस तरह से मैटलैब के अंदर मैक्स का फंक्शन यूज़ किया जाता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल फ़ैज़ वसीम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।